मैं आपसे सबसे पहले खिताब करूं और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं तमाम स्टाफ का जो आज यहां मौजूद है तीनों ब्रांचेस के साथ, और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं उन सब का जो ना चाहते हुए भी यहां मौजूद हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके लिए सब कुछ इग्नोरेबल होता है, लेकिन उन सारी चीज़ों को पसे पुश्त डालकर हमारे पास वो स्टाफ मेम्बर आज मौजूद हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से हमें खुश आमदीद भी है, और इनके साथ जो अभी ट्रेजेडी हुई है उसके लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं इनकी वालदा के लिए। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। उसके बाद ये जो हर साल की तकरीब आपके सामने मुनक्किद की जाती है, तीनों स्टाफ मेंबर्स तीनों ब्रांचेस के जो मौजूद हैं यहाँ पर, और जैसा कि आज आपको सर ने एक नई तजवीज़ से आगाह किया जो कि पिछले तकरीबन रवा 3-4 साल से मौजूद थी, कि तमाम ही लोगों को एक सडनली अवार्ड दे दिए जाते थे जिसमें जोन सिस्टम आप सभी लोग जानते हैं कि वो सिस्टम मौजूद था, लेकिन उसमें हमें ऐसा लग रहा था कि वो स्टाफ जो हमारे पास एक कैटेगरी वाइज आप उसको सपोर्टिंग स्टाफ कहें, ऑफिस स्टाफ कहें, व्हाटएवर आउटडोर कहें, कुछ भी कहें, वो स्टाफ सोचता था कि मैं इस पोजिशन में पहुँच ही नहीं सकता हूँ। उसके दिल में हमेशा ये खलिश रहती थी कि ये जो लोग मौजूद हैं बस इन्हीं को अवार्ड से नवाजा जाएगा, लेकिन हमारी मैनेजिंग कमेटी और डायरेक्टर साहब ने इस पर बहुत ज़्यादा काम करने के बाद ये फैसला निकाला है कि इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी को कैटेगराइज कर दिया जाए 5 हिस्सों में, जिसकी तफसील आपको सर फैसल ने बता दी कि अब हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा चाहे वो मैनेजिंग कमेटी के लोग हों चाहे वो एक ऑफिस स्टाफ हो, दो ही अहदे हैं डायरेक्टर और एक ऑफिस स्टाफ, इसके बीच में बहुत सारे डेजिग्नेशन मौजूद होते हैं, लेकिन अब सभी इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी मैनेजिंग कमेटी के स्टाफ मेंबर को कुछ मिल रहा है तो ऑफिस स्टाफ को नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ बहुत अच्छी है एक मैनेजिंग कमेटी की तरफ से, और आगे आप जब इसका आपके सामने खुलासा हो जाएगा तो आप भी इंशाल्लाह इसको ज़रूर सराहेंगे कि ये सारी पॉलिसीज इंशाल्लाह आप ही के लिए बनाई गई हैं और बेहतरी के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात है ये 2016 के बेस्ट पर्सन की, रनर अप की और दूसरे अवार्ड्स की, ये सारी वो तकरीबात हैं जिससे तमाम ही स्टाफ को हौसला मिले कि यार नहीं एक अच्छा इदारा है और यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें भी मौजूद होंगी। इस सारी सिचुएशन को बताने का मतलब या समझाने का मकसद ये है कि आप में से कुछ स्टाफ ऐसे हैं जो पिछले साल यहाँ मौजूद थे और आज बहुत सारे लोग हम में नहीं हैं, यानी वो कहीं और स्विच कर गए, लेकिन हमारे पास और ज़्यादा अच्छे लोग इस टीम में मौजूद हैं, तो उनके लिए कुछ के लिए ये सारा सिचुएशन नई है और कुछ के लिए पुरानी है, लेकिन हम आगे की तरफ सोच रहे हैं और आप सबको भी आगे ही लेकर जाना है। इसके लिए हर टीम मेंबर अपने अपने ब्रांच एडमिन के साथ कोऑर्डिनेशन में मौजूद है, अपने आप को अपडेशन में लगा हुआ है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हम एक ऐसे इदारे से बिलोंग करते हैं जिसका ताल्लुक दुनिया की फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी IT इससे है, और इसमें इस तरह की चेंजेस मौजूद हैं कि अगर आप आज सोएं और कल उठें तो एक नई चीज़ इंक्लूड होगी। तो उसके लिए हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आप अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आप अपडेट होंगे, इदारा अपडेट होगा, तरक्की की तरफ गामजन होगा, फैसिलिटेशन मिलेगी, ये सब आप ही के लिए हैं। आज की जो ये तकरीब सजाई गई है ये सब आप स्टाफ मेंबर्स के लिए, तो आप सबसे 2017 के लिए यही एडवाइस है कि मिलकर जमकर मेहनत से काम करें और अपने आप को आगे की तरफ सोचें। पीछे जो हो गया है ठीक है, हो गया, आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड की तरफ चलें, उससे आपका फायदा होगा, जब आपका होगा तो लामाला इंशाल्लाह जरूर इदारे का होगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच।